जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, लोकेट द सेंट्रॉयड ऑफ द टी सेक्शन शोन इन द फिगर। फिगर में हमें एक टी सेक्शन दिया गया है, मैं आपको फिगर शो कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टी सेक्शन दिया गया है फिगर में, तो इस टी सेक्शन का हमें सेंट्रॉयड फाइंड आउट करना है, एक्स बार और वाई बार। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है वो वाई बार निकाला जाता है, एक्स बार यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लगा रखा है। तो एक्स बार शायद इसकी यहीं से डिस्टेंस जो होगी वो जीरो हो जाएगी एक्स बार, और वाई बार हमारा यहीं कहीं बीच में हमारा वाई बार फाइंड आउट लोकेट होगा। तो सर्वप्रथम हम कैलकुलेशन करने के दौरान हम सर्वप्रथम दो पार्ट में टी सेक्शन को हम डिवाइड करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने इसको सेपरेट किया है, तो ए सेक्शन वन हो जाएगा, ए दूसरा सेक्शन टू हो जाएगा, सेक्शन वन और सेक्शन टू। और उसके बाद हम सेक्शन वन की एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ब्रिथ और लेंथ चाहिए। इसकी ब्रिथ 20 mm है और लेंथ इसकी यहाँ से लंबाई इसकी है 100 mm, तो 20 × 100 mm हो जाएगा। और सेकेंड सेक्शन की ए टू निकालेंगे तो इसकी भी ब्रिथ हो जाएगी 100 mm और इसकी ये हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी 20 mm। तो 100 × 20 mm, 100 × 20 mm हो जाएगा, ये ए टू हमारा फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम वाई वन निकालेंगे। वाई वन जो होता है सेंटर से दूरी, अभी इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 100 mm है, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, इसके जस्ट इसके हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 mm। तो वाई वन हो गया 50 mm हो गया। ठीक उसी प्रकार हम वाई टू फाइंड आउट करेंगे। तो वाई टू हमारा कैलकुलेट होगा, पूरी 100 mm तो ली जाएगी, फिर इसके सेंटर से 10 mm हो जाएगा, 20 का हाफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाई टू हमने फाइंड आउट किया है, 100 + 20 / 2 110 mm, ये वाई टू हमारा निकल गया। तो वाई बार निकालने का फार्मूला होता है ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपान ए वन प्लस ए टू। तो ए वन की वैल्यू 200, वाई वन की वैल्यू 50 mm प्लस ए टू 200 mm स्क्वायर इन टू वाई टू 110 mm, ए वन हो जाएगा अपान में ए वन हो जाएगा 200 + 200। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वाई बार 80 mm आ गया, 80 mm, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 80 mm। ये हमारा 80 mm कहाँ से होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिख रखा है, सेंट्रॉयड ऑफ टी सेक्शन इज ऑन द सेमेट्रिक एक्सिस एट इज डिस्टेंस 80 mm फ्रॉम बॉटम। बॉटम से 80 mm हमारा सेंट्रॉयड होगा, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, बॉटम से यहाँ से ये हमारा बॉटम हो गया, बॉटम बोल रखा है ना, तो यहाँ से हमारा 80 mm हो जाएगा, ये 80 mm, ये हमारा वाई बार हो गया, वाई बार यहीं पे होगा 80 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 mm हो जाएगा। एक्स बार 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स बार 0 हो जाएगा क्योंकि इसी पे दूरी लेंगे, हमारा एक्स बार 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। तो एनी भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।